भाई पहुंचे हैं, तमाम किसान यहाँ पर केंद्र सरकार के घुटने टिकाने के लिए पहुंचे हैं। हम सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम देख रहे थे सुबह सांपला बॉर्डर पे भी और यहाँ पे टीकरी बॉर्डर पे भी, बहादुरगढ़ बॉर्डर पे भी, जिस तरह से भगत सिंह लड़ा था इस देश को आजाद कराने के लिए, आज दोबारा से भगत सिंह पैदा हुआ है अपनी माटी को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए। ये लड़ाई साथियों वही लड़ाई है जो करतार सिंह सराभा ने लड़ी थी। क्या कहा था करतार सिंह सराभा ने कि देश सेवा की बात करना आसान है, देश सेवा करना मुश्किल है, और जिसने देश सेवा के रास्ते कदम रखा उसने लाख मुसीबत झेली है। और आज ये लाखों लोगों का काफिला सरकार के साथ मुसीबतें झेलते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। हम ये कहना चाहते हैं अब इस हरियाणा का, पंजाब का, हमारे बड़े भाई हम सब अब पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि 2006 के अंदर हम बिहार के अंदर देख चुके हैं इन कृषि कानूनों का क्या नतीजा हुआ है। यही हालत केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार, ये डिप्टी सीएम जो क्या कहता था कि मैं किसान का बेटा हूँ, संसद में ट्रैक्टर लेके गया था, पर आज जब हजारों लाखों ट्रैक्टर सड़कों पे है तो इनको दिखाई नहीं दे रहे। अब ये कहना चाहते हैं किसान सिरसा पहुंचा, क्या बोला डिप्टी सीएम, मेरे को तो कोरोना हो गया। हमने कहा अभी कोरोना तेरे को नहीं हुआ, कोरोना थारी पूरी सरकार को हो रहा है, कोरोना को ठीक करने की दवाई इन किसानों के पास है, किसानों के पास है, और अब देश का किसान ने करवट ले ली है। हमारे बुजुर्ग खड़े हैं बता देंगे, आज देश में पहली बार इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा है, पहली बार, और ये स्पष्ट है ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे कि किसान रुकेगा नहीं, हमेशा लेटना पड़े, गोलियां खानी पड़े, लेकिन जिस बात के लिए भगत सिंह लड़ा था, जिस बात के लिए हमारे देश के शहीद लड़े थे, उस लड़ाई को दोबारा से लड़ेगा इस देश का किसान लड़ेगा। अरे नारा लगता था आजादी के आंदोलन में क्या, जय जवान जय किसान। आप पूछ के देखो ये खड़े जवान हमारे बॉर्डर पे कौन है, इस किसान का बेटा है बॉर्डर पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ, और किसान यहाँ पे मजबूरी में अपने अधिकारों के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और खट्टर मोदी अय्याशी कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, दिल्ली के अंदर बैठ के। इसलिए इस बात को इस देश का किसान समझ चुका है, और क्या कह रहे थे कल तक, हम किसानों को निकलने नहीं देंगे। अरे मोदी साहब अब बताओ यहाँ आओ, किसान कहाँ है, और आप कहाँ हो, कल सभी जगह किसानों को गिरफ्तार कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि तो थोड़े बहुत लोग होंगे नहीं निकल पाएंगे, दबोच लेंगे, लेकिन आज इस किसान आंदोलन ने सरकार के घुटने टिका दिए। 5 जून को ये 3 कानून अध्यादेश उस समय पे थे लागू हुए थे, और उसके बाद से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है इस अरसे में जब किसानों ने अपनी आवाज नहीं उठाई हो, जब किसानों ने ये ना कहो ना हमारी बात सुन लो, इन अध्यादेश इन कानूनों को, 3 कृषि कानूनों को वापिस ले लो। और ये हरियाणा में और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इससे मंडी खत्म नहीं होगी, इससे MSP खत्म नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट है आने वाले समय में हमारी फसल और हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। फसल तो बर्बाद होगी होगी इन कानूनों से, नस्ल किसे कह रहा हूँ, अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी अगर ये कानून लागू होंगे। इसलिए इस बात को समझते हुए आज लाखों की तादाद में, और अभी मेरे पास भी फोन आया था साथी का दाता सिंह वाड़ा से, 10,000 से ज्यादा किसान बता रहे हैं वहां से निकल चुके हैं, सांपला से भी हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, आप इस मुगालते में मत रहना कि अब किसान रुकेगा। किसान ने जब डंडा उठाया है
जब अधिकार के लिए खड़ा हुआ है पीछे नहीं हटा है, चाहे कुछ हो जाए। किसान, इस देश का किसान जो अनाज पैदा करना जानता है, सत्ता को उखाड़ना जानता है। सत्ता को भी उखाड़ देंगे हम, किसी चीज से घबराने वाले नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होके और बड़ा इस आंदोलन को करेंगे। और आप मेरे को जैसे पहले भी पता था, 10-10 दिन का, 20-20 दिन का, महीने का राशन, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसान इस लड़ाई को लड़ेगा। तो एक खास तौर पे मेरे पंजाब के किसान भाइयों को हम सलूट करना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया है। आजादी के आंदोलन में भी रास्ता दिखाया था पंजाब के लोगों ने, और आज दोबारा से हमें इस देश की जनता को पंजाब के किसानों ने रास्ता दिखाया है, और ये पंजाब हमेशा आगे रहेगा। एक अपील खास तौर पे करना चाहता हूँ, अब सरकार क्या चाहती है, हमारा आंदोलन इतना तेज हो गया है, हमें लड़ाना चाहती है कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और इनका हरामजादों का, आरएसएस वालों का तो यही एजेंडा रहा है, फूट डालो, राज करो। और आज ये बात साबित हो चुकी है, अब ये किसान किसने लुकाया करते हैं हमारे रोहतक साइड, जाट है, खेती करनी है, जाट खेती करने वाले नहीं है, 36 कौम है, सब मिलजुल कर खेती करते हैं, और आज इस आंदोलन के अंदर सभी मिलजुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जात धर्म पे नहीं लड़ेंगे, एकाकर संघर्ष करेंगे। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी हम जीते थे, आज भी